नमस्कार दोस्तों। तो एक कमेंट आया था कि क्या हम अपनी सीट के साथ साइकिल को लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो चलिए आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो दोस्तों रेलवे के मुताबिक ट्रेन में लगेज ले जाने के लिए एक नियम बनाया गया और आप ट्रेन में उसी नियम के तहत ले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर उस नियम से ज्यादा लगेज है तो आपको पेनल्टी देनी होगी और इसके लिए आपको लगेज रूम में लगेज को बुक कराकर ही लगेज को ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों रेलवे के नियम के द्वारा जो बताया गया वो इस प्रकार है, यहाँ देख लीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसी फर्स्ट क्लास की बात करें तो आप 70 केजी लेके जा सकते हैं और एक्स्ट्रा अगर यहाँ देखा जाए तो 15 केजी है और 150 केजी अगर आप ले जाना चाहते हो तो आपको पेनल्टी देके ले जाना पड़ेगा। इसी तरह एसी टू टायर में यहाँ पे अगर बात करें तो 50 केजी है, 10 केजी एक्स्ट्रा है और 100 केजी आपको ले जाने के लिए आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे एसी थ्री टायर का बात करें तो यहाँ पे 40 केजी दिया हुआ है, 10 केजी एक्स्ट्रा है और इसमें कोई भी पेनल्टी देके आप नहीं लेके जा सकते, एक्स्ट्रा कोई भी केजी लेके नहीं जा सकते। अगर स्लीपर क्लास की यहाँ पे बात करें तो 40 केजी आप लेके जा सकते हैं, एक्स्ट्रा आपके लिए 10 केजी यहाँ पे और आपको पेनल्टी देना है तो यहाँ पे 80 केजी आपको पेनल्टी देके लेके जा सकते हैं। और सेकंड क्लास की यहाँ पे बात करें तो 35 केजी यहाँ पे दिया हुआ है, 10 केजी एक्स्ट्रा और 70 केजी आप पेनल्टी देकर लेके जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने जो नियम है उसके तहत। अब हम बात करेंगे कि क्या हम अपनी सीट के साथ क्या हम साइकिल को लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस लगेज के साथ एक कंडीशन दी गई, कंडीशन में यह बताया गया है कि भले ही सामान आपका वजन 70 केजी, 80 केजी, 60 केजी या 100 केजी हो लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई मायने रखता है। क्योंकि मान लीजिए कि किसी चीज का वजन कम हो लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई ज्यादा होता है वहाँ उस चीज को नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो सकता है, इससे और भी यात्रियों को परेशानी होगी। इसी को देखते हुए रेलवे ने उस साइज को यानी उस सामान का एक मेजरमेंट बनाया जो आप इसी ही मेजरमेंट के अंदर लेके जा सकते हैं, भले ही उसका वेट उसके अंदर में आता हो या नहीं। आपको अगर साइकिल लेके जाना है तो उसके लिए आपका इसका जो मेजरमेंट है उसके बारे में समझना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेजरमेंट जो है 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, मतलब इसी के अनुसार से आप अपने साइकिल को लेके जा सकते, कोई भी सामान को लेके जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का सामान हो रहा है तब आपको लगेज बुक करानी होगी। अगर इस तरह से ट्रेन में ले जाएंगे तो बड़े आकार वाले सामान को तब आपको पेनल्टी वहाँ पे देनी पड़ेगी। दोस्तों अगर बात करें साइकिल की तो साइकिल की वजन तो ज्यादा नहीं होगा, वजन के हिसाब से तो आप परफेक्ट रहेंगे लेकिन सामान की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए साइकिल को अपनी सीट के साथ नहीं लेके जा सकते क्योंकि जो रेलवे ने नियम बनाया उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपको पेनल्टी लग सकती है। तो आई होप कि ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।